बड़ी एक्शन वाली दिन है और वो है रिलायंस के पार्टली पेड शेयरों की लिस्टिंग। तो रिलायंस के पार्टली पेड शेयरों की लिस्टिंग कल होने जा रही है, इसकी पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरुण दुबे। वरुण बताइए क्या है पूरी डिटेल्स और जो इसकी रीलिस्टिंग होगी उससे क्या असर पड़ेगा रिलायंस के शेयर पर? डेफिनेटली अनिल जी, देखिए अब ये फर्स्ट कॉल हुआ था, इसके पहले जो कॉल हुआ था वो उसके बाद अब ये रीलिस्टिंग होने जा रही है। 10 मई को दरअसल इसकी जो ट्रेडिंग है वो इस स्टॉक में, रिलायंस के पार्टली पेड शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, उसमें रुक गई थी। तब रिलायंस का पार्टली पेड शेयर का भाव था 982 रुपीज के आसपास और रिलायंस तब ट्रेड कर रहा था 1925 के आसपास, यानी करीब 950 रुपए के आसपास का प्रीमियम था। हालांकि 12 तारीख को रिकॉर्ड डेट थी, इसके लिए 10 तारीख को जो ट्रेडिंग थी रिलायंस के पार्टली पेड शेयर्स में वो रुक गई थी। उसके बाद फर्स्ट कॉल किया गया, 314.25 रुपए जो इन्वेस्टर्स है उनको भरना था, 17 मई से 31 मई के बीच में ये दाम जो है वो आपको देने थे। तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो रिलायंस के शेयर में करीब 14% या फिर अगर आप देखेंगे तो 250-350 रुपए के आसपास की तेजी आ चुकी है। ये टोटल राइट इशू का साइज जो था उसे रिलायंस करीब 53,000 करोड़ के आसपास जुटाने वाली थी और राइट इशू का जो टोटल प्राइस था वो 1,257 रुपए का था, 12,1257 के आसपास था। तो कहीं ना कहीं अब जो कल लिस्टिंग होगी वो दरअसल ये दर्शा रही है कि हो सकता है कि रिलायंस के पार्टली पेड शेयर जो है उनकी लिस्टिंग जो है वो थोड़े ज्यादा प्रीमियम पे हो। क्यों? क्योंकि जब से रिलायंस के पार्टली पेड शेयर्स की ट्रेडिंग रोकी गई है तब से अब तक रिलायंस के शेयर में करीब 14% के आसपास की रैली देखने मिली है। और अगर पिछले बार का हम जो डिफरेंस था 950 रुपए के आसपास का उसको भी कैलकुलेट करें तो यहां से कम 1,200 रुपए के आसपास या फिर 1,150 रुपए के आसपास जो है रिलायंस का पार्टली पेड शेयर जो है उसको ट्रेड होना चाहिए। वैसे भी अगर आप 52 वीक हाई देखिए इस पार्टली पेड शेयर का तो 1469 या फिर 1470 का है, तो उससे तो कम पे आसपास लिस्टिंग होगी। हाँ, एक बात आपको और याद रखनी है कि ये आखिरी कॉल नहीं है, नवंबर में आपको जो सेकंड कॉल या फाइनल कॉल का पैसा है वो भी भरना होगा जो 628 रुपीज का होगा। 15 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में आपको ये पैसे भरने होंगे। तो ये है रिलायंस की पूरी डिटेल्स जो पूरे पार्टली पेड अप शेयर्स कल से लिस्ट होने वाले कल से फिर से शुरू होने वाली है जिसमें ट्रेडिंग, उसके बारे में याद रखिए 1257 ये राइट इशू के जो शेयर्स है उसका टोटल प्राइस है, 982 के आसपास बंद हुआ था, 314 रुपए आप और जोड़ लेंगे तो करीब 1,300 रुपए के आसपास आता है, लेकिन उसके आसपास लिस्टिंग नहीं होगी। हो सकता है कि उसके कुछ कम भाव पे लिस्टिंग हो क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है रिलायंस के शेयर्स और पार्टली पेड अप शेयर्स के बीच में वो थोड़ा कम होना चाहिए, इतना ज्यादा भी नहीं। ओके, तो अंदाज से वरुण फिर कुछ बता पाएंगे किस लेवल के आसपास लिस्ट होनी चाहिए, कोई ऐसा अंदाज बैठ रहा है कल क्या भाव में ये लिस्ट होंगे? डेफिनेटली अनिल जी, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम पिछले बार जब बंद हुई थी रिलायंस के पार्टली पेड अप शेयर्स में ट्रेडिंग तब 982 पे ये था और रिलायंस का शेयर जो है 1925 पे था, यानी करीब 950 के आसपास जो था वो प्रीमियम था रिलायंस के शेयर्स और रिलायंस के जो पार्टली पेड अप शेयर्स है उसके बीच में, मतलब रिलायंस का शेयर जो प्रीमियम पे था उसी प्रीमियम को अगर लेके चले तो हो सकता है कि आपको 1,150 के आसपास की जो लिस्टिंग है वो देखने मिलेगी। लेकिन क्योंकि 628 का जो फाइनल कॉल है वो अभी बाकी, अगर उसके डिफरेंस को लेके चले तो अनिल जी फिर हो सकता है कि 1,500 के आसपास की भी लिस्टिंग हो, क्योंकि वो जो सेकंड कॉल करना है वो नवंबर के आसपास करना है। अब क्या पता, हो सकता है कि इसी के आसपास लिस्टिंग हो, तो मेरा कैलकुलेशन तो ये कहता है कि 1,150-1,200 के आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए। ओके, तो 1200 के आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, लगभग एक महीने के गैप के बाद पार्टली पेड शेयर्स वापस आपको आ रहे हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद। तो कल ये बड़ा एक्शन है रिलायंस पर जिस पर हम नजर रखेंगे और स्टॉक में भी थोड़ा अच्छा एक्शन पिछले कुछ दिनों से बन ही चुका है रिलायंस। किरण जी जरा इस पर राय दें, 1200 के करीब आते हुए दिखा, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है एक दो दिनों से, क्या राय देंगे सर? वेरी गुड आफ्टरनून दीप, वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। अगर मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 4-5 दिन पहले देखने को मिला था, उसको रीटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और इधर सपोर्ट काफी नजदीक है। तो मेरा मानना है कि अब जो ट्रेंड लाइन की वैल्यू है अभी वो है लगभग 2165, तो 2165 के नीचे मेरे स्टॉप लॉसेस रहेंगे लॉन्ग पोजीशंस के लिए पोजिशनली। और मेरा मानना है कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो लगभग आता है 2225 का, तो इसके बीचों बीच हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो 2225 का ब्रेकआउट रहेगा, नीचे में बाय करने की सलाह है, आपका स्टॉप लॉस 2150 के नीचे होना चाहिए।